वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो मैं बना रही हूँ उसके लिए इंग्रेडिएंट सीधा खेतों से होकर आए हैं। और ये जो ज़मीन के नीचे चीज़ें लगती हैं ना, जैसे गाजर हो, मूली हो, शलगम हो, आलू हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करती हैं कि किस तरीके से मिट्टी के अंदर इतना कुछ लग जाता है और एक पौधा और पौधे के नीचे इतने बड़े बड़े, इतनी ज़्यादा आलू, यानी कि जब आलू निकालते हैं ना ज़मीन से तो भी बहुत अच्छा लगता है। कई बार ज़मीन के अंदर पता ही चलता आलू है तो उनके ऊपर लग भी जाती है चोट, लेकिन आप देख लीजिए कितने प्यारे लग रहे हैं आलू। लाल हैं, काले भी हैं, सफ़ेद जो नॉर्मल हम मार्केट में लेते हैं वो भी हैं। तो ये देखिए काले आलू, काले आलू अंदर से काले ही होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि काले अंदर से सिर्फ छिलका काला होगा, अंदर से भी काले होते हैं। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। फटाफट आलू को रखिए टैप के नीचे ताकि सारी मिट्टी निकल जाए, और जो आलू एकदम खेतों से निकाले होते हैं उनकी स्किन बहुत नाजुक होती है, एकदम जल्दी से पक जाते हैं। तो कुकर में डालकर सीटी लगा लीजिए और लीजिए आलू पक चुके हैं। फिर क्या करना है, पील कीजिए और इनको मैश कर लीजिए। और कुछ चीज़ें इनमें डालनी पड़ेंगी, तो वो क्या है, वो है मोज़रेला चीज़, गार्लिक पेस्ट, और साथ में मैंने कुछ ब्लैक पेपर के दाने ले लिए हैं। तो फटाफट डालिए मोज़रेला चीज़, फिर डालेंगे हम इसके अंदर गार्लिक पेस्ट, फिर डालेंगे नमक वही स्वादानुसार, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रश की हुई काली मिर्च, चाहे तो डालिए चाहे तो ना भी डालिए। फिर डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर स्वाद के लिए, कलर के लिए नहीं। फिर डालेंगे इसमें चावल का आटा 2 चम्मच बाइंडिंग के लिए, आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। और अच्छे से मिक्स कीजिए हाथों से, स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं होगा। और इसके बाद क्या करना है, जिप लॉक बैग लीजिए, उसमें सारा मिक्सचर डाल दीजिए। और ये जो लास्ट वाला प्रोसेस है ना, ये मैंने यूट्यूब से ही देखा था। फिर बेलन से अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि सारा स्प्रेड हो जाए आलू, और इसे रखना है फ्रीजर में ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, हम इसके स्टिक्स काट सकें। लेकिन उसके बाद मैं भूल ही गई कि मैंने कुछ फ्रीजर में रखा है, और जब तक याद आई तब तक ये बिल्कुल हार्ड हो चुका था। और उसके बाद क्या था, तलना तो था ही, तो इन्हें चाकू से इस तरीके से काटा, फिर पॉलिथीन तो वैसे भी अलग हो गया था, और फिर फ्राई करना था। तो फ्राई करने के लिए पहले जो पैन लिया था उसमें ये चिपक रहे थे, और उसके बाद जो ऑयल था वो ट्रांसफ़र किया नॉनस्टिक पैन में, और उसके बाद आप देख लीजिए अच्छे से फ्राई हुए। लेकिन इन्हें बनते बनते रात ही हो गई, क्योंकि बीच में याद ही नहीं रहा कि कुछ चीज़ बनाना शुरू किया, उसे बनाना भी है। पहले लगा था कि बहुत छींटे उड़ेंगे, इतने ठंडे हो चुके हैं, लेकिन उतने भी नहीं उड़े, थोड़े बहुत तो तेल में फ्राई करते उड़ता ही है कुछ तेल। और अब बात करते हैं टेस्ट की। तो ये पोटैटो चीज़ स्टिक्स बनी बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ी फैल गई थी, मोटी मोटी थी, एकदम स्टिक्स जैसी नहीं थी। और स्वाद के तो भला कहने ही क्या,